लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस की ओर। समुद्र के ऊपर बने पवन ब्रिज की मरम्मत जोरों पर। दुबई मस्तफ में बउआ सिंहा ने किया जीरो का धमाकेदार प्रमोशन। मुंबई पहुंचे निकियांका डेटिंग ऐप की लॉन्च। पाकिस्तान में बंद था ये शख्स, 38 साल बाद डाल पाया वोट। खसरा टीकाकरण के दौरान बच्चे की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में किया भर्ती। अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु के समुद्र के ऊपर बना ये परल प्रकृति की खूबसूरती को अपने में समेटे हुए है। बताया जा रहा है कि ये ब्रिज 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। समुद्र के ऊपर 145 खंभों पर टिके इस ब्रिज के मरम्मत का काम जोरों पर शुरू है। शाहरुख के फैंस ने मस्तक और दुबई में किया उनका इस्तकबाल। हर और सिर्फ शाहरुख ही सुनाई दे रहा था। शाहरुख अभी अपनी अपकमिंग मूवी जीरो के प्रमोशन के लिए खाड़ी देशों में घूम रहे हैं। प्रमोशन के दौरान शाहरुख ने अपने हिट नंबर पर डांस भी किया। इंटरनेशनल पावर कपल प्रियंका एंड निक जोन्स अब मुंबई पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका निक हनीमून पर नहीं गए, अपने बिजनेस पर ध्यान दे रही है प्रियंका। दरअसल प्रियंका मुंबई में शुक्रवार को डेटिंग ऐप बंबल को लॉन्च करने वाली है। अब वो इसके प्रमोशन में जुटी है। तस्वीर में दिखाई दे रहे इस शख्स का नाम गजानन शर्मा है। बताया जा रहा है कि साल 1982 में जयपुर से लापता हो गए थे गजानन शर्मा। 36 साल तक पाकिस्तान की जेल में बंद थे गजानन शर्मा। अब इसी साल भारत वापस लौटे, 38 साल बाद वोट डाल पाए हैं। सरकार खसरा रुबेला जैसे रोग के लिए टीकाकरण का अभियान चला रही है, लेकिन आगरा के थाना बसई अरेला के स्याहीपुरा के एक इंटर कॉलेज में 3 बच्चों की टीकाकरण के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई। टीकाकरण के बाद बच्चे अचानक बेहोश हो गए, फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज़ लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।